Hi, this is Stuti Pawar, welcoming you to the series The Uttarakhand Legends, which is an ongoing series by The Shooting Box. The Shooting Box, Pahadon Ki Rani Masuri mein based, ek film and documentary production house hai, jiska main uddeshya yahan ke mahan culture ko duniya bhar mein showcase karna hai. To aaj ke episode mein hum baat karenge yahan ki cuisines, yani ki yahan ke shandar khane aur uske continental fusion ke bare mein. देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और तीर्थ स्थानों के लिए प्रसिद्ध है, जहां जनजीवन शांत, साधारण और समृद्ध है. इस समृद्धि का विशेष कारण है यहां की पवित्र नदियां, उपजाऊ भूमि और मेहनतकश निवासी. यहां खेती बाड़ी के लिए कोई भी केमिकल या फर्टिलाइजर के बजाय प्योर ऑर्गेनिक मेन्योर यानी शुद्ध जैविक खाद ही प्रयोग में लाई जाती है. उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में तो फसलों की पूजा और उल्लास भी मनाया जाता है. तैयार फसल को अनाज भंडारों तक लाने के लिए भी नेचुरल मैकेनिज्म आज तक भी कारगर है. हम चक्के का आटा तो खाते नहीं, मतलब बिजली का चक्के का आटा तो खाते नहीं. हम भी इसी घराट का आटा अच्छा मानते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ है, बेस्ट चीज़ है. जिसमें भूख है ना, बीमारी है ना, आटा जो है बिल्कुल ठंडा रहता है. उत्तराखंड की मूल फसल है लाल चावल, झंगोरा, कोदा, कुलथ और राजमा, जिनसे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं. गांव से जब ये अनाज शहरों तक आता है तो हाथों हाथ ही बिक जाता है. इसके अलावा उत्तराखंड में प्रसिद्ध है कंडाली यानी नेटल लीव्स, जिसका साग जंगली लेकिन इंटरेस्टिंग पौधे से बनाया जाता है और अपनी वार्म और हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से सर्दियों में ही खाया जाता है. कंडाली यानी नेटल लीव्स को आम भाषा में बिच्छू भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रसायन भरे छोटे छोटे कांटे शरीर में लगने पर एक जलन भरा डंक देते हैं, जिसे माएं शरारती बच्चों को सजा देने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं. सजा खाने के बाद इसी बिच्छू का स्वादिष्ट साग भी खाने को मिलता है, जिसे पानी में उबाल के सिल बट्टे पर पीस के मसालों के साथ बनाया जाता है. अब तो उत्तराखंड का खाना कॉन्टिनेंटल फ्यूजन की रेसिपी में भी खूब सराहा जा रहा है. नमस्कार, मेरा नाम अरुण डबराल. जैसा कि आपने अभी देखा कि हम कंडाली को उत्तराखंड में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है घरों में खाने के रूप में, पकवान के रूप में, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसको एक इंटरनेशनल कुजीन के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बना के किस तरीके से प्रेजेंट कर सकें. और आज हम इसी के साथ बना रहे हैं ये ब्राउन राइस और कंडाली की टिक्की है, जिसको हम फलाफल के साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके साथ में हमारी तिल की चटनी, गार्लिक ताजकी और ग्रीन हुमस दी जाएगी. ये हमने कुलथ की दाल, होर्स ग्रैम जिसको कहते हैं, उसके साथ में कंडाली और इटालियन हर्ब्स का इस्तेमाल किया है. इसको हम घरेलू टमाटर की चटनी, सरसों एंड कंडाली डिप के साथ में सर्व करेंगे. ये झंगोरा है, जिसको बानियर्ड मिले कहा जाता है. इसका हम आपको इटालियन कुजीन के साथ फ्यूजन करके रिजोटो बना के खिलाएंगे. और ये वेजिटेबल्स जो हैं, ये रिजोटो के साथ में, झंगोरे के साथ में मिक्स की जाएंगे. ये हमारा ब्राउन राइस है, इसका हमने मांड अलग निकाला है, जिसको स्टार्च कहा जाता है. इसको हमने मट्ठा के साथ में मिक्स किया है. मट्ठा के साथ मिक्स करने के बाद हम इसमें जख्या का, जिसको डॉग मस्टर्ड कहा जाता है, और लाल मिर्ची का तड़का देते हैं. एंड थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया है. नमस्ते जी, मेरा नाम अशोक महेंद्रू है एंड मैं ये होटल इंडस्ट्री के साथ, मेरा कम से कम 20 साल में मैं होटल इंडस्ट्री से काम के साथ काम कर रहा हूँ. एंड मैंने अभी जब मैं इस रेस्टोरेंट में आया था, इन्होंने मेरे को बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ खिलाया था. वो एक रागी पिज्ज़ा था, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही, मतलब इट हैज़ गिवन अ लोकल फ्लेवर, एक गढ़वाली फ्लेवर दिया उसने पिज्ज़ा को. तो
मैं एकदम से मैंने सोचा कि इसका क्यों नहीं कि हम एक रागी के साथ क्रिसमस पुडिंग बनाया जाए. और मेरे घर में तो हर साल 20 किलो क्रिसमस पुडिंग बनता है, यहाँ से इंग्लैंड जाता है. सो अब हम वही ट्राई करेंगे कि हम लोकल इंग्रेडिएंट्स प्लस क्लासिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम एक क्रिसमस क्लासिक क्रिसमस पुडिंग बनाएंगे. सो पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द इंग्रेडिएंट्स. यू हैव ब्रेड क्रम्स, यू हैव सूजी, यू हैव कैंडी चेरीज, वॉलनट, अखरोट, बादाम, किशमिश, you have candied ginger, and then these are the chopped. There's one more thing over here. These are candied orange peel and lemon peel, and I think the rest we've already named. Yes, here you have grated orange zest, orange juice, you have chopped figs, chopped apple, and I'm sorry, here you have chopped dates, grated lemon rind, lemon juice, and obviously there's going to be ragi. So we're going to have ragi. So now what we're going to do is the chefs here are going to mix everything together and put them into the dish, and then you'll see the excitement of Christmas pudding coming together. Oh yes, the main thing, I forgot. You have a whiskey and you have a brandy. And the better brandy and the better whiskey, the better the Christmas pudding. And of course, the main ingredient, ragi. Ragi is a finger millet. So, and it grows quite extensively in this area. A lot of ragi is exported to Japan because it makes an excellent baby food. So, within 3 weeks, we'll have a classic Christmas pudding with the Uttarakhandi touch to it, and which has been made out of finger millet flour, ragi flour. नमस्कार, मैं संदीप सानी हूँ. मैं उत्तराखंड रूट लक्षण का अध्यक्ष हूँ और मसूरी में ब्रेंटन टूरिज्म रिसोर्ट्स का एमडी. हम लोगों ने एक नई पहल शुरू करी है कि हम कैसे अपना जो हमारा लोकल उत्तराखंडी फूड है और जो हमारे यहाँ पे जो उत्पाद होता है उसको हम कैसे अपनी लोकल कुजीन, तो हमारी है ये बहुत फेमस, उसको हम कैसे इंटरनेशनल कुजीन में भी लॉन्च कर सकते. इसी के तहत जैसे पिज्ज़ा बनता था मैदे से बनता था उसका बेस, उसमें हमने मंडवा डाल के मंडवे का बेस बनाना शुरू करा है. कुछ हमने और एक दो एक्सपेरिमेंट्स करे हैं केक्स में उसको डालने का. हम आगे चल के रागी की ब्रेड्स और बिस्किट्स भी बनाना चाह रहे हैं, जिससे उत्तराखंड में जो उत्पाद हो रहा है उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके. उत्तराखंड के स्वाद का आनंद आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज बहुत से फूड फेस्टिवल्स में भी ले सकते हैं, जैसे कि विंटर लाइन कार्निवल. आज ऐसे ही फूड फेस्टिवल में हम बात करेंगे JW Marriott के GM मिस्टर चंद्रशेखर जोशी से, जो कि मोर फेमसली CJ के नाम से भी बुलाए जाते हैं. सो कि CJ, व्हाट्स योर टेक ऑन ऑल दिस फूड एंड व्हाट डू यू हैव टू से? आपको क्या मतलब इंस्पायर किया इसको प्रमोट करने के लिए? यू नो द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज वेरी वेरी पॉपुलर और फेमस फॉर इट्स टूरिज्म, फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, फॉर इट्स ब्रेवरी. बट सैडली नॉट टू मेनी पीपल इन द कंट्री नो अबाउट द कुजीन. आवर एंडेवर इज टू गेट to have people to like our food a little more.
my name is Arohi and we are from Lucknow. We've ordered Guna Shikar from JW Marriott. It's really awesome, very, very awesome. And the preparation and the spices used, the taste is really out of this world. Really enjoyed it. नमस्कार, मैं प्राची रतूड़ी हूँ. आई राइट फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम मसूरी. मसूरी विंटर एंड कार्निवल की फूड फेस्टिवल एक ऑर्गेनाइज हुआ है जिसकी मैं ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में मेंबर हूँ. हम लोग अपने लेवल पे चाह रहे हैं कि गढ़वाली कल्चर जो इतना रिच है वो आगे प्रमोट हो, और फूड फेस्टिवल उसका एक हिस्सा है. और इसमें हम थोड़ी लोकल महिलाओं को भी लाए हैं जो कि अपने ट्रेडिशनल ज्वेलरी में, कपड़ों में यहाँ का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगी और उसके बाद उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे. तो एक अच्छा प्रोत्साहन है उनके लिए कि हमारा गढ़वाली खाना, उत्तराखंडी खाना भी बहुत स्पेशल हो सकता है और उसके लिए उनको प्राइज भी मिल सकता है. तो एक अच्छा मूव है जिससे वो लोग बहुत खुश हैं और एक्साइटेड है. क्या लग रहा है आप लोगों को, आप में से कौन विनर हो सकता है, कौन जीतेगा? वैसे तो हम सभी विनर हैं क्योंकि हम सब ने अपना एफर्ट तो पूरा लगाया है. अपने लिए दूसरा विनर है. ये तो सभी कॉम्पिटिशन होता है कि विनर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई गेम ही होती है, उसके हमें कोई कम नहीं है क्योंकि वी ऑल आर नेबर्स एंड वी ऑल आर गढ़वाली गर्ल्स. तो हम लोगों को सिर्फ इस चीज़ का प्राउड है कि हम लोगों ने गढ़वाली डिश बनाई, सबको प्रेजेंट की और उसका हमने प्रचार भी किया है. तो अपने लिए तो हम विनर हैं, बाकी ये सब जजेस पे डिपेंड करता है कि किसको बेस्ट करेंगे वो और किसको प्राइज देंगे. और वो प्राइज हम सब किसी को भी मिलेगा लेकिन खुशी हम सबको उतनी ही होगी. थैंक यू. हमें यहाँ के जो प्राइज विनर लेडीज हैं और अच्छे होटल्स के जो शेफ हैं उनके साथ भी हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे. हमारे स्टेट का जो खाना है उसको जगह जगह पे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए जितने प्रयास किए जा सकते हैं ये आगे आने वाले समय में आप जरूर देखेंगे. तो आज के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया है उत्तराखंड के कुछ व्यंजन जो कि स्वादिष्ट नहीं बल्कि पौष्टिक भी है और धीरे धीरे ग्लोबली अपनी पहचान भी बना रहे हैं. ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक्स एंड सजेशंस हमको ज़रूर भेजिए. मसूरी एंड इसके आसपास के बारे में और जानकारी पाने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.masurihandbook.com. उत्तराखंड लेजेंड सीरीज में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ. टिल देन कीप विजिटिंग उत्तराखंड. कोदा जंगर के सार पकीगी होली, काखुड़ी मुंगरी भी लगीली होली, कब जल कब खालो जे कुड़ी उलार आयो छ, गुटी गुटी बाडुई लगी छ मैत्यू को राय बारी आयो छ. हाय, दिस इज स्तुति पवार वेलकमिंग यू टू द सीरीज द उत्तराखंड लेजेंड्स. तो उत्तराखंड लेजेंड्स इज एन ऑनगोइंग सीरीज. नहीं, गलत बोल दिया. बुनू एक चम्मच देना. लगना भी चाहिए कि अवन गरम है तो अवन से निकाल रहा हूँ, फ्रिज से थोड़ी निकाल रहे हैं पैक में. टन-टन-टन. So this is a peg measure 200 which you never use. Stop blowing kisses at me. Cafe the Tavern, Masuri. Oh yeah, yeah. Okay. Masuri, Uttarakhand. Both are good. Both good, but something has to be done with this. Nahi, the chudai has to be just boiled more, that's all. No, boiled? No. तो आज के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाए हैं उत्तराखंड के चल. सचिन यार बॉल की आवाज आ रही, मत करना 10 मिनट. चल. तो आज के इस एपिसोड में हमने बात की है, नहीं यार बात नहीं की है, दिखाए हैं. स्टार्ट. तो आज के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाए हैं उत्तराखंड के कुछ व्यंजन. हमने आपको दिखाया है, दिखाए हैं बिहारी है क्या?
दिखाए ये तोते दिखाए चलो मायो चलो भाई चलो बायो दुबरी से राजा लाले तूता बायरी बेटूली पैराली ले मैता बायरी अतेली पुतेली ले लगानू जंगर के सार पकीगी होली काखुड़ी मुगरी भी लगीली होली कब जल कब खालो जी कुड़ी उलार आयू छुटी घुटी बाडुई लगी छ मैत्यू को रई बारी आयू छ